हेलो माय डियर किड्स, वेलकम बैक टू द ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस। चिल्ड्रन, आई एम वंदना एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 7th। हियर इज ए बुक चिल्ड्रन एंड द नेम ऑफ ए बुक इज ग्रामर ग्लिटर ओडिसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 23। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस, दो या उससे ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन करना टू फॉर्म कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। या तो हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएं इनको ज्वाइन करके या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएं। द फॉलोइंग आर द चीफ वेज ऑफ कंबाइनिंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वेज दिए गए हैं जिससे हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाई यूजिंग अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को यूज करके कैसे हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं? सो हियर द एग्जाम्पल इज ही सॉ मी ही रैन अवे। उसने मुझे देखा वो भाग गया। सो सीइंग मी ही रैन अवे। सो दिस इज द आंसर। बाई यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज। नाउन या फिर फ्रेज यूज करके कैसे हम इसे बना सकते हैं? दिस इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज अली। दिस इज माई फ्रेंड अली। सो दिस वी हैव मेड आफ्टर ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस। थर्ड वन इज बाई यूजिंग अ प्रेपोजिशन विथ नाउन और जेरंड। सो हम प्रेपोजिशन को यूज कर रहे हैं जिसमें नाउन और जेरंड जो है यूज किया जा रहा है। ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू विन। वो बहुत बार फेल हो चुका है, अभी भी वो उम्मीद करता है कि वो जीत जाएगा। सो हाउ वी जॉइन दिस सेंटेंसेस? हैविंग फेल्ड फॉर मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू विन। बहुत बार फेल होने के बाद भी वो अभी भी आशा करता है कि वो जीत जाएगा। बाई यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शंस। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन को भी यूज किया जा सकता है। द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड, एंड वी हैव जॉइंड द टू सेंटेंसेस एज द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। नेक्स्ट वन इज बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को यूज करके कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं? आई हैव सम ड्यूटीज, आई मस्ट परफॉर्म देम। सो हियर द आंसर विल बी आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। सिक्स वन इज बाई यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। या तो हम एडवर्ब यूज करेंगे या फिर एक एडवर्बियल फ्रेज यूज करेंगे, उससे सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। ही डिजर्व टू सक्सीड, ही फेल्ड, ही फेल्ड अनडिजर्वली। सो उसने उसे क्या डिजर्व करता क्या था? सक्सेस, लेकिन वो फेल हो गया। तो सेंटेंस क्या बनाए? ही फेल्ड undeservedly, means वो deserve नहीं करता था फिर भी वो fail हो गया। So these are a few points that we should keep in mind when we are joining sentences. Here you may find the synthesis of sentences and simple into a simple sentence. So आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ points दिए गए हैं। Several of these methods can be combined in the same sentences. So यहाँ पे कुछ methods दिए गए हैं, let's read what they are. The first one is the sun rose, the flag dispersed. The general determined to delay no longer. He gave order to advance. So in these four simple sentences may be combined to form a single simple sentence. तो यहाँ पे आप देख सकते हो children, यहाँ पे four अलग अलग sentences दिए गए, simple sentences. The sun rose, the flag dispersed, the general determined to delay no longer, and he gave order to advance. तो ये जो चारों सेंटेंसेस हम ज्वाइन करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, और वो क्या है? एट सनराइज द फ्रॉग हैव डिस्पर्स्ड, द जनरल डिटरमाइंड टू डिले नो लॉन्गर गिव ऑर्डर टू एडवांस। सो हियर इट इज फॉग। सो वी हैव मेड दिस सेंटेंस इन अ वेरी सिंपलर मैनर इनटू अ सिंगल सेंटेंस। नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज ए। हियर वी हैव टू कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। Now the first one is, it is very hot, I can't go. Now it is very hot, so I cannot go out now. So after hot we will put a comma and then we will write, so I cannot go out now. Second one is, it may rain, we will get wet. So it may rain, comma, so we will get wet. We have joined the two sentences. I bought these mangoes yesterday, they are very sweet. I bought these mangoes yesterday and they are very sweet. So we have joined all these three sentences. Now you have to do the rest yourself.
Now children, let's move to B part. Here we have to combine each set of sentences into one simple sentence. One simple sentence banana in sentences ko. The first one is, Michael can be selected, it is certain. So what will be the sentence? It is certain that Michael can be selected. So this was our sentence. Now the second one is, gold is a metal, it is dug out of the earth. So the sentence will be, gold is ko hata denge aur hum likhenge comma uske jagah a metal, gold a metal is dug out of the earth. So the second answer is, gold a metal is dug out of the earth. So like this we have made this sentence into a single simple sentence. So children, you have to complete the rest questions that are given here. You have to change these sentences into one simple sentence. I hope you understood it. Children, this is narrative writing. And what is it? Let's learn. A narrative writing is has a specific moment, instant or incident of its heart. So ये जो narrative writing है, इसका एक particular specific आप कह सकते हो moment है या फिर कोई incident है. And it does not tell of a long tale over a long period of time. ये किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं बताता है. For example, कि कोई लंबी कहानी या फिर कोई पुरानी चीज़, उसके बारे में ये नहीं बताता है. You can write a good story if आप जो एक अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं. कैसे? Your plot is good. अगर आपका प्लॉट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. You can use your imagination to develop the plot with interesting details. आप क्या कर सकते हो? Imagination को develop कर सकते हो उस sequence, आप कह सकते हो उस plot के लिए जिसमें कुछ आप interesting details हो. You can create suspense so that the reader is motivated to read on. So आप क्या कर सकते हो? Suspense create कर सकते हो जिससे जो reader है वो और ज़्यादा motivated feel करेगा आपके उस story को read करने के. Your explanation is good. अगर आपका explanation good है तो आपकी story जो है बहुत ही ज़्यादा successful हो सकती है. A story can be written in many ways from given outlines. कुछ outlines दिए होते हैं उससे हम story लिख सकते हैं. Story based on moral. So moral पे based stories लिख सकते हैं. From incomplete hints. और अगर incomplete hints दिए गए हैं तो उससे भी हम story को बना सकते हैं. Examples of narrative writing. कौन कौन से examples हैं narrative writing के? The first one is developing from outline. तो कुछ outlines दिए होते हैं children, उसको देखना है and according to that we have to form the story. So here you can see there are some outlines given. The first is stormy night. A traveler reached Dharmshala. Door locked था वहाँ पे. Knocks. Keep says he has no key. Ask if the traveler has a silver key. Bring his box. Traveler shut the door. Keeper knocks. Traveler asks for the silver key. His rupees return. The door open. So ये एक stormy night की कहानी है जिसमें एक traveler है, वो धर्मशाला में जाता है. Door वहाँ के lock रहते हैं. Keeper कहता है कि क्या उसके पास silver key है. And to be continued. So let's read the story of the silver key. तो उन outlines को use करके children हमने ये story बनाई है. On a stormy night a traveler went to Dharmshala to seek shelter. So एक धर्मशाला गया एक traveler जो वहाँ पे shelter लेने गया. He was highly disappointed, called out from within, I am sorry I cannot open the door for I have lost the key. वो काफ़ी ज़्यादा disappointed feel कर रहा था. क्यों? क्योंकि उसकी जो key थी वो खो चुकी थी. However, the door can be unlocked with a silver key. लेकिन वो जो door था उसे हम silver key से खोल सकते थे. Do you have one? The traveler, who was quite intelligent, got the hint and forged a rupee coin.
अंडर द डोर. तो वहाँ पे जो ट्रैवलर था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने क्या किया, 1 रुपी कॉइन को जो है डोर के अंदर डाल दिया. द कीपर ओपन द डोर एंड लेट हिम इन. और जो कीपर था उसने क्या किया, उस ट्रैवलर को अंदर कमरे में ले लिया. एज सून एज द ट्रैवलर गॉट इन साइड ही थैंक द कीपर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग इन हिज बॉक्स. तो जैसे ही वो ट्रैवलर अंदर गया उसने जो है कीपर को थैंक यू बोला और उससे बोला कि जाओ मेरा बॉक्स ले आओ. द मोमेंट द कीपर स्टेप्ड आउटसाइड द ट्रैवलर शट द डोर एंड लॉक्ड इट. और जैसे ही कीपर बाहर गया तो ट्रैवलर ने अंदर से डोर को बंद कर लिया और लॉक कर लिया. सो अब जो है उस कीपर ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट जोक, प्लीज ओपन द डोर इमीडिएटली, मेरे से मजाक मत करो और डोर को जल्दी से ओपन करो, शाउटेड द कीपर फ्रॉम आउटसाइड. इट इज नॉट जोक, आंसर द ट्रैवलर, आई एम सॉरी आई हैव लॉस्ट द की, द डोर कैन बी ओपन ओनली विथ अ सिल्वर की. तो अब उस आदमी ने कहा कि मेरी जो की खो चुकी है और ये डोर सिर्फ एक सिल्वर की से ही खुल सकता है. द कीपर हैड टू पुश द सिल्वर कॉइन अंडर द डोर. अब क्या हुआ, उस जो है उस कीपर को वो सिल्वर कॉइन वापस से डोर के अंदर डालना पड़ा. द ट्रैवलर गॉट हिज रुपी बैक, ट्रैवलर को उसका पैसा वापस मिल गया. बिफोर ही लेट द डिसऑनेस्ट मैन इन, तो उस डिसऑनेस्ट कीपर को अंदर लेने से पहले उसने अपना पैसा वापस ले लिया. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द सिल्वर की. Now here you can see another story is given, a story on a given moral. So moral based story hai, haste makes waste. So read it children. It's the story of a hunter and he had a very faithful dog and he used to leave his dog as a guard whenever he go out. One day what happened, he and his wife went to the market leaving behind his child. Ek din wo apne wife ke saath market chala jata hai, who was sleeping. The dog sat and guard the child against any danger. अब dog ने क्या किया, अपना काम शुरू कर दिया उस child को guard करने का. Suddenly he saw a wolf entering the house. He became alert and before the dog could attack the and kill the child, the faithful dog pounced over the wolf. So children, as a wolf entered the house, the dog became alert and he attacked. Before he went to attack the child, the faithful dog pounced over the wolf and fought for it. तो dog जो है कूदा उस wolf के ऊपर और उसके साथ लड़ाई की. He finally succeeded in killing the wolf. और last में उसने उस wolf को kill कर दिया. In the evening, when the hunter returned home with his wife, he found that the dog outside the house. The dog ran forward to greet his master. When the master saw blood on his mouth, he became suspicious. He thought that the dog has killed his child and without thinking he took out his gun and shot the dog. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो हंटर वापस आया उसने क्या देखा कि डॉग के मुँह पे खून लग रहा, तो उसे ऐसा लगा कि डॉग ने उसके बच्चे को मार दिया है. और बिना सोचे समझे उस हंटर ने क्या किया, अपने गन से उस डॉग को मार डाला. बट वेन ही फाउंड हिज चाइल्ड सेफ इन साइड द हाउस एंड वाइफ वोल्फ लाइंग डेड नियर हिम, ही एट वंस अंडरस्टूड वॉट हैज हैपेंड. सो जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि वहाँ पर वुल्फ जो है मरा पड़ा था एंड उसका जो चाइल्ड था वो सेफ था. उसे सब कुछ अब समझ में आ चुका था. उसने अपने मिस्टेक को रियलाइज किया एंड वेप्ट बिटरली ओवर द लॉस, और बहुत ज़्यादा रोया क्योंकि उसने एक गलती कर दी थी अपने डॉग को मार के. सो दिस वॉज अ मॉरल स्टोरी चिल्ड्रेन, लाइक दिस यू कैन राइट द मॉरल स्टोरी. सो हियर आर सम क्वेश्चंस गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ द आउटलाइंस यू हैव टू राइट द story and you have to also suggest a suitable title. You have to write down a title or you can say heading. And this story is about a monkey and a crocodile. They became friends. They were sweet mangoes and the crocodile loved them, and the crocodile's wife wanted to eat monkey's heart, and she said that the monkey lived on the mango tree. He eats mango, so his heart would be so much sweet. And the crocodile tried to make fool of the monkey and take him to his house, but the monkey succeeded in saving his life. So like this he had to write down the story by seeing the given outlines. Here is again another story of Robert Bruce. He was a king of Scotland and was unable to defeat enemies. So read the outlines and write down the story, children. Next is a dark night, a blind man with a lamp.
is in his hand, and the two men laughed at him. And so you have to read the outlines and complete the story. Next is frame stories on the following topics. So here some topics are given. You have to write down some moral stories on the given topics. No pain, no gain. Gentleness is always better than force. Mockery and the woodcutter. Honesty is the best policy. Where there is will, there is a way. So these are a few stories that you have to write on your own. Next is write original short stories using these guidelines. So children, here some guidelines are given. You have to read them and then you have to write short stories. First one is in which a briefcase, a camera and a policeman plays a significant part. तो ऐसी स्टोरी लिखनी है जिसमें एक ब्रीफकेस होना चाहिए, एक कैमरा होना चाहिए और एक पुलिसमैन होना चाहिए और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए. सेकेंड वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट, अ बर्थडे, अ पावर कट, अ फैमिली आर्ग्यूमेंट. सो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, उस स्टोरी में ज़रूर होनी चाहिए. थर्ड वन इज यू आर बींग फॉलोड, यू मैनेज टू गेट अवे एंड वो कॉट बाई योर पर्स्यूअर. सो आप जो है, आपका कोई पीछा कर रहा था, आप वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हुए लेकिन बाद में उसने उसे आपको पकड़ लिया. फोर्थ वन इज व्हेन द डोर ऑफ हैप्पीनेस क्लोजेज अनदर ओपन्स, बट ऑफन वी लुक सो लॉन्ग एट द क्लोज डोर दैट वी डू नॉट सी द ओपन वन फॉर अस. तो कई बार ऐसा होता है कि हैप्पीनेस का डोर जो है क्लोज हो जाता है लेकिन एक डोर खत्म खुल बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है. बट क्या होता है, हम जो क्लोज डोर है उसको ज़्यादा देर तक देखते हैं और ओपन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. हेलेन केलर सेड दिस. सो राइट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग द अबव कोटेशन एज अ थीम. इस कोटेशन को एज अ थीम यूज करना है एंड देन वी हैव टू राइट द स्टोरी. फिफ्थ वन इज टू ब्रिंग आउट क्लियरली द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब. सो यहाँ पे एक प्रोवर्ब दिया गया है, ऑनेस्टी इज अ ब्लेस्ड पॉलिसी एंड यू हैव टू क्लियरली write a story, short story based on this proverb. Now children, let's learn some items are here, given here. Idiomatic expressions are here, means aap jise aap hindi mein muhavre kehte ho. Here apple of the eye is means favorite. Apple pie order neat and tidy. At sea unable to decide how to act. Axe to grind. Have a grievance against someone. Back to square one. Start from the beginning again. Be of the same boat. Face the same situation. Be on cloud nine. Very happy. Blue eye boy. Favorite. Carry the day with a battle. Close shave. A narrow escape. Eat humble pie. Apologize and show regret. Get cold feet. Feel anxious or apprehensive about something. Green-eyed monster means jealousy. Hold the purse strings means control the spending of money. In black and white is writing. In writing, in the nick of time at the last possible moment. In once in a blue moon, very rarely one of the blue. Expectedly, pay it through the nose. Pay more than what is affordable. Push comes to shove. Situation becomes really bad. So here some idioms are given and their meanings are also given in front of them. Read and learn them. Here again, put a spoke on the wheel means to create a problem. Put me in mind means remind me. Rain cats and dogs means rain heavily. Rub salt in the wound means make someone feel about something that is already painful. So children, read all these items and their meanings. Now here, the next topic that we are going to learn is one word substitution. Means you can see there are some black letter words are given here. Ye kya hai meaning hai aur ye jo blue mein likhe hai ye kya hai, ek one single word jisme aap is pure meaning ko लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. आप कह सकते हो वर्ड दिए हैं, उनके मीनिंग्स दिए गए हैं.
आर्सेनल क्या होता है? अ प्लेस वेयर वेपन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टोर्ड. एनोनिमस, वेयर वन डज समथिंग बट कीप्स हिज हर नेम सीक्रेट. कॉन्टेम्प्रेरी, वन लिविंग एट द सेम टाइम. सेंटेनियन, अ पर्सन हु इज अबव 100 ईयर्स. कॉस्मोपॉलिटन, वन हु हैज कंट्रोल कंटैक्ट ऑल राउंड द वर्ल्ड. सो सिमिलरली चिल्ड्रेन, यू कैन रीड दीज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एंड ऑल्सो यू कैन लर्न देम. नाउ द थर्ड वन इज प्रोवर्ब्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस आर गिवन हियर. एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. सो द मीनिंग इज, when you are away from someone you loved him even more. Second one is, action speaks louder than words, which means when a person actually does it, more important than what they say they will do. Third one is, all is well that ends well. There is a solution to everything even though there are doubts. Fourth one is, beauty is only skin deep. A person's character is more important than his appearance. Fifth one is, be swift to hear, slow to speak. And the meaning is, listen carefully before speaking. So similarly children, some proverbs are given and their meanings are given. Read and learn them. Next is confusing words. So children, there are some words, after hearing them we get confused. So confusion is often caused in understanding the meaning of certain words. Kuch words ko samajhne mein hame kai baar confusion hota hai because they are either similar in meaning and form or similar in their sound and pronunciation. Ya to ye meaning mein same hote hain ya inka pronunciation same hota hai, isliye hum kya hote hain, confused ho jate hain. Here is a list of some such words. यहाँ पे लिस्ट दी गई है ऐसे कुछ वर्ड्स की. द फर्स्ट वन इज इफेक्ट. सो हम दोनों को सेम तरीके से प्रोनाउंस करेंगे बट देयर स्पेलिंग्स यू कैन सी इज डिफरेंट एंड देयर मीनिंग. द फर्स्ट वन इज AFFECT. इफेक्ट मीन्स टू एक्ट अपॉन वेदर इफेक्ट्स द टेम्परेचर. एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक. Next is bail. So BAIL means security and the second one BALE means bundle. And their sentences are written here. Born and born. So BORN means born forth by birth, paida hona, and BORNE means carried. Next is cattle. Cattle means pets. जो भी हम पेट्स रखते हैं. एंड द नेक्स्ट इज केटल, विच इज जिसमें आप किसी भी बॉइलिंग लिक्विड को रख सकते हैं, एक जार आप कह सकते हैं जिसमें से आप लिक्विड को पोर करते हैं दूसरे बर्तन में. डियर, सो DEAR मीन्स लव्ड वन एंड DEER मीन्स एन एनिमल. नेक्स्ट इज एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स फेमस एंड इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन. गेट, so the first one GAIT means manner of walking, chalne ka tarika, and the second one is a door. Eighth one is ear, HEAR, which means to listen, and HERE means at this place. Now ninth one is IDLE, idle. So it means without work, bina kaam ke koi baitha ho, usse hum IDLE, idle kehte hain. And the next is IDOL, idol. वो इसका मतलब होता है मूर्ति, किसी चीज़ की फोटो, इमेज. नेक्स्ट टेंथ वन इज नॉटी. सो नॉटी, NAUGHTY, नॉटी मीन्स विकेट, एंड KNOTTY, नॉटी मीन्स डिफिकल्ट. सो रीड दीज वर्ड्स अगेन चिल्ड्रेन, नो देयर मीनिंग्स एंड रीड देयर सेंटेंसेस. नेक्स्ट कम्स नाउंस. द फॉलोइंग नाउन्स टेक द पोजिशन फॉर आफ्टर देम. ये जो नाउन है ये अपने बाद क्या करते हैं, फॉर को रखते हैं. अफेक्शन, एटीट्यूड, अपॉलोजी, एप्टिटाइट, एपिटाइट, बेड, ब्लेम, कैंडिडेट कैपेसिटी, कॉज, कॉम्पनसेशन, कॉन्सर्न, क्रेविंग, क्योर, डिजायर, एक्सक्यूज, फॉन्डनेस, फ्रीडम, हेट्रेड,
So these are a few of the nouns. Next comes verbs. The following verbs take the preposition to after them. इनके बाद क्या होता है? Preposition to लगता है. Accede, adapt, adhere, agree, allot, apologize, appoint, aspire, attribute, belong, confirm, consent, contribute, complain, decide, explain, lead, listen, object, occur, prefer, pretend, river, revert, and so on. So read the rest. Now here an exercise is given, which is concept check number 2. Here what you have to do, the first question says, write down what are prepositions and explain with the help of examples. So children, what are preposition? Preposition are position words that tell us about the position and the movement of the noun. Now use the following interjection in sentences of your own. So yahan pe kuch words diye gaye hain, these are interjections. आपको इनसे क्या करना है? सेंटेंसेस बनाने. C1 is join together the following pair of sentences using the conjunction given in the bracket. The bracket में कुछ conjunction दिया गया है. Using them you have to join the sentences. I shall not attend the meeting. I am not feeling well. Because आपको इसमें fill करना है तो the sentence will be I shall not attend the meeting because I am not feeling well. So similarly, join the other sentences here. Next one is, you are current school captain of Kabir Modern Public School, Modern School Rohtak, and write a notice informing the students about the dance competition to be held on 25th October. And so what you have to do here, you have to write down a notice as you are current and your school is organizing dance competition. So this you have to do yourself. Next E part is, look at the picture given below and describe it in paragraph. Write with the help of clues, suggest a suitable title to the picture description. So here children, a picture is given. आपको picture को ध्यान से देखना है, what picture it is. आपको एक title देना है इस picture को, and these are the clues. Clues को देखना है, and then you have to write a small paragraph. क्या क्या क्लूज है? विलेज मार्केट सीन है, डिफरेंट शॉप सेलिंग देयर वेयर्स, मेल एंड फीमेल कस्टमर्स बाइंग थिंग्स ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स. सो यू हैव टू यूज अ गिवन हिंट्स एंड राइट डाउन द पैराग्राफ. F1 इज, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन द ग्रीडी डॉग. सो ग्रीडी डॉग पे आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है. आई होप यू विल डू इट. सो विद दिस चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड everything. You have to read the given topics that we have learned here and also learn them, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related and thanks for watching.